प्रेगनेंसी में ऑपरेशन कब कराएं? मोहम्मद अनस कुरैशी अबू जहबी। डॉक्टर ने मेरी वाइफ को 8 माह 5 दिन की तारीख दी है, इसके बाद कहा है कि इसे एडमिट कर लेंगे। क्या इस सूरत हाल में विलादत के लिए ऑपरेशन कराना शरान दुरुस्त होगा? भाई देखें, ये शरीयत का मसला नहीं है, तो किसी डॉक्टर से ही पूछना चाहिए था। लेकिन वैसे मैं, अब आपने पूछ लिया है तो ये बात खूब समझ में रख जहन में रखें कि ये मेरे मुशाहिदात भी तो एक दलील होती है ना। मुशाहिदात पर मबनी एक हकीकत है कि इतनी सारी ख्वातीन आजकल जिनका ऑपरेशन हो रहा है, तो ये गलत है। ये बच्चे की जो पैदाइश है ना, औरत का हमल ठहर जाना, फिर प्रेगनेंसी में उसको तकलीफ़ें होना और फिर विलादत होना, ये नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल है। और नेचर में कभी कभार तो उल्टी सीधे कुछ होता है, जैसे 100 में से 1 बीमार हो जाएगा तो मुमकिन है 100, 150, 200 औरतों में से किसी एक के ऑपरेशन से हो जाए, केस बिगड़ जाए, तो फिर जाहिर है जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, बच्चे की जान भी जा सकती है माँ की। लेकिन ये अगर 100, 200 में से किसी एक के साथ हो रहा होता तो हम कहते हैं नेचुरल है। जैसे भाई 100 में 1 बीमार भी होता है, तो इसी तरह 100 हामिला खवातीन में 1 खातून बीमार भी हो सकती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं हर दूसरी तीसरी औरत के बच्चा ऑपरेशन से हो रहा है, और जिनके नॉर्मल भी हो रहा है तो 1-2 नॉर्मल, फिर उनके भी फिर तीसरा ऑपरेशन से। इससे साफ पता चलता है ये डॉक्टरों की बदमाशी है, क्योंकि नेचर इतनी ट्रैक से नहीं हट जाती कि हर दूसरा आदमी ही बीमार हो जाए। जानवरों के भी तो आप देखें, उनके तो सारे नॉर्मल हो रहे हैं। लोग मुझे फिर ताना देते हैं कि आप इंसानों की को तशबीह दे रहे हैं जानवर से। भाई मेडिकली तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है, मेडिकली तो सब एक ही है ना। उनके भी मैदा होता है, हमारे भी होता है, उनको भी खुराक चाहिए, हमें भी खुराक चाहिए। ये जो डिलीवरी है ये नेचुरल प्रोसेस, जानवरों के भी इसकी ज़रूरत है, इंसानों की नस्ल भी ऐसे ही बढ़ती है। इसमें तो यानी इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा इसको डॉक्टरों ने हवा बना दिया है, हर दूसरी औरत का ऑपरेशन हो रहा है। और मेरे बड़े बड़े डॉक्टरों से ताल्लुकात हैं, डॉक्टर खुद बताते हैं कि मेरे पास ऐसी लेडी डॉक्टर्स की कॉल्स आ चुकी हैं कि हम किसी इदारे में, किसी हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, हमें वहाँ बताया जाता है कि आपने इतना बजट पूरा करके बहरहाल देना है और इतना इतनी अर्निंग हमने साल में करनी है, तो आपने ऑपरेशन करना है। तो वो ऑपरेशन इसलिए भी किया जाता है, 2 वजह से डॉक्टर लोग बाज़ दफ़ा ऑपरेशन करते हैं। एक बाज़ दफ़ा तो वाकई केस बिगड़ा हुआ होता है, उसमें तो ऑपरेशन करना ही करना है, बच्चे की या माँ की जान ज़ाया हो सकती है। लेकिन जो मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से खुद सुना है और जो मुशाहिदा में नज़र आ रहा है, सबके सामने है, वो 2 वजह से, एक टेंशन से बचने के लिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में इसमें कोई स्पेसिफिक और मुतय्यन वक्त और डेट बयान करना मुमकिन नहीं है। फुकहा ने सदियों पहले बयान कर दिया था कि हमल की कम से कम मुद्दत 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, तो वो इस दौरान कभी भी बच्चा पैदा हो सकता है। इसमें जो डॉक्टर कहते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, ये टोपी ड्रामा है कि बच्चे की जो डिलीवरी है उसके लिए एकदम एक्यूरेट 2-3 महीने पहले टाइम बता देना, ये मुमकिन नहीं है। वो एक यानी ऐसा भी मुमकिन है कि डॉक्टर ने जो टाइम दिया उसे 15 दिन बाद बच्चा पैदा हो, यह भी मुमकिन है डॉक्टर ने जो टाइम दिया उसे 15 दिन पहले हो जाए, और यह भी मुमकिन है 2 महीने बाद हो, पहले ऐसा हुआ करता था। लेकिन माजरत के साथ जो गायनी की डॉक्टर्स हैं वो करती क्या है, वो अपने पेशेंट को कहती हैं जल्दी से निपटाओ, दर्द से रहिए, क्योंकि वो पेशेंट अभी आई है, अब देखा कि भाई हमने टाइम दिया था, इसकी विलादत का वक्त है, अब टाइम नहीं है, अब फिर अगली, फिर ये भी इसको कहीं बाद में तकलीफ होगी, दर्द होगा, फिर ये मुझे कॉल करके बुलाएगी, फिर मैं अपने सारे काम का छोड़ के 15 दिन बाद आऊँगी, फिर किसी दिन रात को 2 बजे बुला सकती है, 2:30 बजे बुला सकती है वगैरह। इस टेंशन से बचने के लिए उन्होंने वो गेती फावड़े और वो चाकू छुरे रखे हुए होते हैं, और वो जनाब काटा कसाई, और इस तरह की डॉक्टर्स में कोई फ़र्क रहा ही नहीं है, तो वो काट पीट के निकालो और सी दो उसको, और ये ऑपरेशन। हाँ, एक वजह तो ये है, ऑपरेशन में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में पैसे कम होते हैं, तो अस्पतालों ने एक हदफ दिया हुआ होता है, भाई अर्निंग करनी है। मैंने पहले भी इस पर एक बयान रिकॉर्ड करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि हमारे एक उस्ताद हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े परहेजगार हैं, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया इंसानियत की खिदमत के लिए, ट्रस्ट बनाया पहले, फिर एक हॉस्पिटल बनाया। तो उन्होंने मुझे खुद बताया, मैंने खुद उनसे सुना, उन्होंने कहा कि हमने वहाँ डॉक्टरों को पाबंद किया था, गायनी की डॉक्टर्स को, कि बिला वजह ऑपरेशन नहीं करना, क्योंकि ये ट्रस्ट है और इसमें हम इंसानियत की खैरख्वाही के लिए, ऑपरेशन में सिर्फ खर्चा ही नहीं होता, औरत की सेहत की वाट लग जाती है, उसकी फिटनेस, उसकी सेहत की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो जी वो यही हुआ उनके साथ कि कहते मैंने हॉस्पिटल बनाया है, जब बनाया
तो सामने केस हुआ, एक डिलीवरी का केस था, एक खातून आई, दर्द हो रहा था उसको, विलादत का टाइम था, तो जो गायनी की डॉक्टर्स थी उन्होंने कह दिया ऑपरेशन होगा और वरना बड़ा ख़तरनाक, और बड़ा एक वो बना के पेश किया उन्होंने। वो बेचारी, उसने कहा कि नहीं, उसने हिम्मत की, उसने कहा नहीं मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। उन्होंने कहा भाई हम तो ऑपरेशन करेंगे। वो जनाब उसका मियाँ लेके अपनी बेगम को वापस निकला हॉस्पिटल से, और टैक्सी में बच्चे की विलादत हुई है, बिल्कुल नॉर्मल। तो हमारे उस्ताद हैं जिन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया था, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जब ये पता चला उसी दिन से मैंने अस्पताल बंद कर दिया। मैंने कहा मैं लोगों की अमानतों को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता कि लोग तो हम पे ट्रस्ट करके हमें चंदा दे रहे हैं कि हम इंसानी की खिदमत कर रहे हैं, जब हमारे पास अमला ही ऐसा नहीं है दयानतदार, तो हम क्यों लोगों की सेहतों से खेलें। उन्होंने बंद कर दिया। मैं नहीं कह रहा सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं, मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर आपको कहे कि ऑपरेशन कराओ तो आप नहीं कराएं, क्योंकि एतमाद तो बहरहाल डॉक्टर पर ही करना पड़ता है। ये भी तो मुमकिन है कि वो सही कह रहा हो, वाकई ऑपरेशन की ज़रूरत हो, और आप मेरा बयान सुन के कहें कि ऑपरेशन हमने नहीं कराना, और फिर केस बिगड़ जाए। तो 100 में मैंने बताया एक दो केसेस ऐसे हो सकते हैं कि वाकई ज़रूरत हो, बच्चे की जान के लिए भी ख़तरा हो और माँ की जान के लिए भी। लेकिन इसमें ज़्यादातर गड़बड़ हो रही है, ज़्यादातर ये मामला ठीक नहीं हो रहा पैसे बनाने के लिए। और इसके पीछे एक और भी जज्बा है, फैमिली प्लानिंग, कि ऑपरेशन से 2-3 से ज़्यादा बच्चे हो नहीं सकते, औरत को इतनी तकलीफ़ होती है, और उसके बाद भी जो इतनी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं कि वो औरतें वैसे ही रोक लेती हैं कि यार छोड़ो इस टेंशन में नहीं बच्चे की पैदा करना, और औरत की फिटनेस जब ख़राब होगी तो फिर मर्द की तवज्जो इधर उधर दूसरी औरतों पर होती है। नॉर्मल डिलीवरी से औरत 12 बच्चे भी पैदा कर ले, उसकी फिटनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जवान रहती है, बल्कि वो उन औरतों से ज़्यादा अच्छा रहती है जिनके बच्चे कम हों, उसका वेट नहीं बढ़ता, नॉर्मल डिलीवरी से जवान रहती है, कम उम्र लगती है। ये एक साइंटिफिक हकीकत है। मैं मेडिकली जो इस पर जो है ना मेडिकल साइंस से हवालों के साथ इस पर एक बयान रिकॉर्ड भी करवा चुका हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी औरत की सेहत के लिए ज़रूरी है, ये नहीं कि नुकसान दे बल्कि ज़रूरी है, इससे औरत जवान रहती है, उसकी बॉडी पूरी रिफ्रेश हो जाती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। लेकिन वो नेचुरल होनी चाहिए, प्रोसेस नॉर्मल होना चाहिए। ऑपरेशन से औरतों को बड़ा नुकसान हो रहा है, ख़वातीन का वेट बढ़ रहा है, और फिटनेस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है जिससे मर्द की तवज्जो इधर उधर जाती है, और नस्ल भी रुक रही है, इससे बड़े मसाइल हैं। तो आप देखें यूरोप में, अमेरिका में और चाइना में, हमारे जानने वाले हम कहते हैं यहाँ डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते। चाइना में और हांगकॉन्ग में तो हमारे जानने वालों ने बताया कि यहाँ अगर हम लेडी डॉक्टर को कह देना कि खातून खुद कह दे मेरा ऑपरेशन करो, वो फिर भी नहीं करती। वो कहती क्यों, जिस हद तक उसको नेचुरल रखा जाए, डॉक्टरों की वहाँ कोशिश होती है कि जिस हद तक इसको नेचुरल रखना मुमकिन है, जो कुदरती है, तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से औरतें बच्चे पैदा कर रही हैं, कोई नया काम थोड़ी है, तो ये कैसे पहले कैसे हो जाता था, तो ये अब जो हो रहा है ना ये नेचुरल नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर एक्शन ले, कोई इसके खिलाफ केस करे, अदालत में जाए और कहे कि भाई ये गलत है, हमारी औरतों का बेड़ा गर्क हो रहा है, इससे लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। आप देखें कि लोगों की आमदनों का क्या हाल है, वो फिर नस्ल नहीं रोकेंगे तो और क्या करेंगे। तो एक प्री प्लान है, इसलिए इसमें डॉक्टरों को भी अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए और हुकूमत को भी डरना चाहिए, वो इस पर एक्शन ले, और लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी का बेड़ा गर्क ना करें, मर्दों को चाहिए और ख्वातीन को भी चाहिए कि अपना बेड़ा गर्क ना करें। तो इसलिए मैं आपको एक मशवरे के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर कोई लेडी डॉक्टर आपको ऑपरेशन का मशवरा देती है तो सिर्फ एक उस डॉक्टर पे आप इक्तिफा ना करें, आप 5-6 डॉक्टरों से मशवरा ले लें। सारे ही कह रहे हैं ऑपरेशन कराना है तो फिर जाहिर है फिर भी इम्कान है कि गलत कह रहे हों, क्योंकि ऐसा भी मेरे सामने ऐसा हुआ है कुछ, कई खवातीन, एक खातून को कई डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन से होगा, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी मुझे मरना गवार है, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, और बच्चे नॉर्मल पैदा हुआ। लेकिन बहरहाल आप ये रिस्क ना लें, मैं नहीं कहता कि आप सब डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन कराओ फिर भी आप ना कराएं, ये रिस्क आप ना लें, इतना यानी फंटर नहीं बनना चाहिए इंसान को। तो लेकिन कम अज़ कम एक की राय पर एतमाद ना करें आप, और कई डॉक्टर से राबता करें, बल्कि जब कोई खातून को प्रेगनेंसी हो उसी वक्त तलाश करना शुरू कर दें कि भाई कि कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जहां नॉर्मल डिलीवरी के केसेस ज़्यादा हैं और ऑपरेशन वो बहुत ही कम करते हैं। शुरू से तहकीक करें और फिर उस तहकीक के बाद जो है उस पे एतमाद करें जो है। लेकिन इस तरह से अपने आप को अल्लाह का वास्ता इन डॉक्टरों की भेंट ना चढ़ाएं, बड़े जालिम होती हैं गायनी की डॉक्टर्स, आमतौर पर इसमें ख़वातीन ही होती हैं और वो बेचारी मजबूर भी होती हैं हस्पताल की वजह से, और उनको भी अल्लाह से डरना चाहिए डॉक्टर्स को।